अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है जुहेब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज आपके लिए जिस बाइक का एक्सपर्ट रिव्यू लेकर आए हैं, यह है बनेली का 302X। इस बाइक का एक्सपर्ट रिव्यू जो है वो इस लिए भी ख़ास है क्योंकि मैं इसको ओन भी कर रहा हूँ और मैंने इसको काफ़ी चला भी लिया है। तो इस बाइक की जितने भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं या जिन जो मसले मुझे फेस हुए हैं, मैं आपसे बड़ी डिटेल में उनसे डिस्कस करूँगा। अगर आप कोई भी यूज बाइक परचेज करना चाहते हैं पार्क व्हील में, तो ऊपर पॉपअप बैनर पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके यूज्ड अपनी पसंद की यूज बाइक को सर्च कर सकते हैं। या अगर आप न्यू बाइक लेना चाहते हैं तो न्यू बाइक सेक्शन का भी आपको पॉपअप आ रहा होगा, आप न्यू बाइक भी सर्च कर सकते हैं। तो इस बाइक के रिव्यू की तरफ जाने से पहले आप प्लीज़ पार्क व्हील्स का जो बाइक सेक्शन है इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही साथ आपने एक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो है ZM Vlogs, वो मेरा पर्सनल चैनल है। तो इस बाइक की मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी सी एक आपको नो हाउ दे दूं कि इस बाइक का जो इंजन है वो डुअल सिलेंडर है और 300cc है। डुअल सिलेंडर होने की वजह से होता यह है कि ये सिंगल सिलेंडर की निस्बत थोड़ा सा स्मूथ होता है, आपको राइडिंग प्लेयर एक सिंगल सिलेंडर की निस्बत ज़्यादा प्लेयरफुल आता है, और इसका साउंड जो है वो सिंगल सिलेंडर की निस्बत थोड़ा सा बेटर आता है क्योंकि डुअल सिलेंडर है, दो पिस्टन है इसके अंदर, दो धमाके होते हैं पिस्टन में जो बर्न होता है फ्यूल, तो आपको ओवरऑल साउंड थोड़ा सा बेटर मिल जाता है इसके अंदर। अच्छा, तो बात कर लेते हैं उन मसलों की जो मुझे इस बाइक में फेस हुए हैं। सबसे पहले बनेली की जितनी भी बाइक हैं मैंने उन सब में ये इशू फेस किया हुआ है कि जो मिरर्स हैं ना, एक सर्टन RPM पे जाके थोड़ा सा फोगीनेस इनमें आ जाती है, फोगीनेस मतलब कि वाइब्रेशंस आ जाती हैं। बेसिकली उसको मैंने कंट्रोल भी कर लिया हुआ है, मैंने इसके इंजन में इरिडियम प्लग्स डाले थे। वैसे बनेली की जितनी भी बाइक्स आती हैं ये नॉर्मल NG के प्लग के साथ आती हैं, तो मैंने इनके अंदर इरिडियम प्लग डाले थे। उसके बाद जो इसकी वाइब्रेशंस है वो बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, इंजन इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस पैदा नहीं करता और आपके मिरर से जो फोगी इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो इशू था वो मुझे इसकी हेडलाइट की थ्रो में था थोड़ा सा। ये वाला मॉडल जो है पर्टिकुलर जो 1900 में आया था 302S, ये फेस अपलिफ्ट मॉडल था और इसके अंदर इन्होंने हेलोजिन बल्ब ख़त्म करके LED लाइट डाल दी थी। फ्रंट हेडलाइट में भी इंडिकेटर्स तो पहले ही LED आते थे और रियर टेल लाइट भी पहले LED आती थी, लेकिन पर्टिकुलर फ्रंट हेडलाइट जो है वो LED बेस कर दी थी। अगर आपको इसकी हेडलाइट की जो लो और हाई बीम है उसकी सेटिंग करनी हो, उसकी थ्रो को फैलाना हो, फैलाव कम करना हो या ऊपर नीचे करना हो, तो इस लाइट को खोल के थोड़ा सा आगे करके इसके पीछे आपको दो पेच मिलते हैं, तो उससे आप इसकी लो और हाई दोनों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो शुरू में मुझे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब कंपनी से ये बाइक आई थी तो वो एडजस्टेड नहीं थी, तो मुझे फिर इसकी लाइट खोल के थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया था इसको अपने लिहाज से। और वैसे मैंने इसके जो क्रैश गार्ड है इसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाई हुई हैं आफ्टर मार्केट से मंगवा के, तो ओवरऑल लाइट का अब मुझे कोई इतना इशू नहीं रहता। जितनी भी ये बाइक्स आती हैं इनके रियर जो फेंडर कह लें या रियर मड गार्ड कह लें, वो बड़े लंबी सी टेल सी होती है और खूबसूरत नहीं लगती, और लोहे की होती है, भारी भी होती है। तो लोग वेट रिड्यूस करने के लिए या बाइक को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले इसका रियर फेंडर जो है वो लेमिनेट कर देते हैं। और मैंने इसकी कस्टम ऑनलाइन परचेज की थी, एक इसकी जो टेल टाइडी है वो मैंने इंस्टॉल की हुई है जिसपे नंबर प्लेट और इंडिकेटर इंस्टॉल है। इसका एक नुकसान ये होता है कि बारिश या वेट रोड जो हो तो उसके ऊपर अगर आप 8 या 10 किलोमीटर की स्पीड से भी थोड़ी सी भी तेज़ चलाएंगे तो जो छींटे हैं वो राइडर की बैक साइड पर आके लगती हैं कीचड़ की। तो आपने ये जहन में रखना है, अगर आप फेंडर टेल टाइडी लगा रहे हैं, फेंडर एलिमिनेट कर रहे हैं इसका रियर, तो आपको ना इसका एक कस्टम मडगार्ड मिलता है, रियर मडगार्ड कस्टम यूनिवर्सल साइज़ का होता है, वो आपको मंगवा के इसको लगाना पड़ेगा। मैंने भी ऑर्डर किया हुआ है, आएगा तो मेरे पर्सनल चैनल को जिन जिन ने सब्सक्राइब किया होगा वो उस पर देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा उसके ऊपर। मैंने इसका ऑर्डर किया हुआ है कार्बन फाइबर में, तो वो आएगा तो वो आपको दिखाएंगे। जो इससे पुराना मॉडल था उसमें इसके फ्यूल ओवरफ्लो का इशू आता था इस बाइक में, और इसका टैंक बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था चलाने के बाद। फ्यूल ओवरफ्लो का इशू इस बाइक में नहीं है जो पाकिस्तान में लॉन्च होती है, और 302S जो 19 ऑनवर्ड है इसमें तो बिल्कुल नहीं है, एक भी दफ़ा मुझे इसका फ्यूल ओवरफ्लो का इशू नहीं आया। अलबत्ता टैंक की बात करें, अगर आप देखें गर्मियों में अगर इस बाइक को दोपहर के टाइम पे चला रहे हैं तो आप कोई भी बाइक चलाएंगे 70-125, एक सर्टन टाइम के बाद उसका जो मेटल का टैंक होता है वो हीटअप हो जाता है, तो सेम इसमें भी मेटल का टैंक है। तो 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप जिसको चलाते हैं गर्मियों के अंदर धूप में तो ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जीन्स पहनी हो तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जीन्स नहीं कपड़े
की पैंट या कोई ट्राउजर वगैरह पहना है तो आपको फिर हीट थोड़ी सी फील होती है इस बाइक में। इसके अलावा एक मैं टिप देना चाहूँगा कि एग्जॉस्ट का हर किसी को शौक होता है, जब भी कोई बाइक लेता है तो एग्जॉस्ट जरूर लगाता है। तो इस बाइक के लिए जो मिड पाइप अगर आप अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं या किसी भी वेबसाइट से, तो आपने देखना है कि 1900 ऑनवर्ड जो 302S है उसका मंगवाइएगा। जो 19 से पिछला इसका मॉडल था उसका मिड पाइप और इसके जो 19 के बाद आया है फेस अपलिफ्ट, उसमें फ़र्क है। तो आपकी जो मिड पाइप जहाँ से हेडर्स के साथ मिलता है उस ग्रिप में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो 19 ऑनवर्ड आपने इसका मिड पाइप मंगवाना है, वरना आपके पैसे जो है वो थोड़े बहुत आपको उसका इशू आ सकता है, ज़ाया हो सकता है, या आपको उसकी कोई ग्रिप बनवानी पड़ेगी और वो सेंटर से थोड़ा सा लूज़ रहेगा आपका। फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर्स है और इसकी जो फ्यूल लाइट है वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लीटर फ्यूल होता है तो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो मैं हाई ऑक्टेन यूज़ करता हूँ, हाई ऑक्टेन 93 ऑक्टेन लेवल का जो फ्यूल है वो हमारे मुल्क में अवेलेबल है, तो हम 93 ऑक्टेन में इसमें फ्यूल डालता हूँ। इरिडियम के प्लग हैं इसके अंदर और उसके साथ अगर मैं इसको नॉर्मल स्पीड में चलाता हूँ तो मुझे 25 भी मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड की हुई है मिड पाइप के साथ। कैट एलिमिनेट कर दो तो उसके बाद फ्यूल एवरेज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है माइनस सा। तो मिड पाइप और एग्जॉस्ट मैंने इंस्टॉल किया है आफ्टर मार्केट, उसके साथ मुझे नॉर्मल स्पीड पे 25 की एवरेज आती है और ये मैंने बहुत दफ़ा चेक की हुई है। और अगर मैं इसको खींच के चलाऊँ, बहुत ज़्यादा खींच के चलाऊँ, थ्रू आउट खींच के चल रही है बाइक, तो 22, और अगर मिक्स चलाओ तो 23-24 की एवरेज ये बाइक आराम से इजीली दे देता है हाई ऑक्टेन के ऊपर। इस बाइक की करंट जो प्राइस है सितंबर 2022 में तकरीबन ऑलमोस्ट 13.5 लाख पाकिस्तानी इसकी प्राइस है। कलर अवेलेबिलिटी इसमें दो है, ब्लैक और ग्रीन। अच्छा, बनैली की जो बाइक है मैंने 250cc भी ऑन की हुई है, TNT 25, उसके बाद मैंने 302R ऑन की थी, फिर TNT 600i ली थी फेस अपलिफ्ट मॉडल, और उसके बाद 302S ऑन कर रहा हूँ। मुझे जो 600 है फेस अपलिफ्ट मॉडल, उसके अलावा जो बाकी तीनों बाइक हैं 250, 300 और ये 302S, इन तीनों में मुझे एक इशू फेस होता है इनमें कि इसका जो गियर का लीवर है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जब आप गियर अप या डाउन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ना एक थोड़ा सा आपको हार्डनेस फील होती है, और न्यूट्रल आपको अक्सर मिलता नहीं है, मतलब न्यूट्रल में बाइक डालने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। जब ये मैंने ये बाइक लिया तो इसमें भी मुझे शुरू में वो फील हुआ, लेकिन मैंने उसको ना ओवरकम करने की कोशिश की। मैंने इस पर मुख्तलिफ टेस्ट किए, मैंने सबसे पहले इसके अंदर लिक्वी मोली का 1050 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला, उसके साथ लिक्वी मोली का MOS2 जो ऑयल एडिटिव आता है जो इसके इंजन की फ्रिक्शन को कम करता है, मैंने वो भी यूज़ किया। पर लीटर 20 ml वो डलता है MOS, तो इसके अंदर 3 लीटर डलता है, तो आप उसको 50 या 60 ml MOS2 साथ डाल सकते हैं। उसके साथ इसमें हल्की सी इसके इंजन में स्मूथनेस तो मुझे फील हुई थी, फ्यूल एवरेज भी हल्की सी माइनस इंक्रीज हुई थी, लेकिन इसके जो गियर की शिफ्टिंग में जो मुझे थोड़ा सा हार्डनेस फील होती है वो नहीं जा रही थी। इसके बाद मैंने इसमें जो बनैली बुराक वाले डाल के दे रहे हैं कंपनी मेंटेन्ड, वो योडोल का 1050 फुली सिंथेटिक डाल के देते हैं, तो मैंने वो भी डाला, वो भी यूज़ किया, और उसमें भी ऑयल एडिटिव MOS2 लिक्विड मोली का यूज़ करके देखा, लेकिन उससे भी मेरे वो जो गियर के अंदर हल्का सा हार्डनेस का मुझे फील आती थी वो नहीं गई। अब जब मैंने इसका थर्ड ऑयल चेंज किया तो मैंने इसमें एम्स ऑयल 15W50 डाला है, 1550 एम्स ऑयल का फुली सिंथेटिक मैट्रिक सीरीज़ का। एम्स ऑयल में भी दो आते हैं, नॉन मैट्रिक होता है, एक मैट्रिक होता है, मैट्रिक टॉप ऑफ द लाइन है। उससे इस बाइक के जो वो गियर के अंदर एक इशू आती थी हार्डनेस, वो ओवरकम हो गई है, यानी कि एम्स ऑयल जो है उससे मुझे इसका गियर बॉक्स थोड़ा सा स्मूथ लगना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सिर्फ एम्स ऑयल के साथ काम नहीं करेगा, आपको ना अपना जो क्लच लीवर है इसके अंदर एक फ्री प्ले की एडजस्टमेंट होती है, आपको वो भी टाइमली मेंटेन रखनी पड़ेगी। 15 mm से ज़्यादा फ्री प्ले नहीं होना चाहिए, अगर आपका फ्री प्ले ज़्यादा होगा तो फिर भी आपके गियर निकलने में आपको मसला करेंगे। तो एक आपने क्लच लीवर का जो फ्री प्ले है वो भी एडजस्टेड रखना है, महीने में एक दफ़ा लाजमी चेक किया करें, या आफ्टर 1000 किलोमीटर उसको लाजमी एडजस्ट करवाया करें। और एम्स ऑयल 1550 उसके साथ मेरी बाइक का जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की राइडिंग प्लेयर और इसकी ब्रेकिंग एबिलिटी की। राइडिंग प्लेयर बहुत ज़्यादा है इस बाइक में, ये बाइक आपको थकाता नहीं है, और जब ये बाइक आपके हाथ पे बैठ जाता है तो इसकी मनूवरिंग बहुत ही ईजी हो जाती है आपके लिए। दो इसका वेट 192 से 195 kg ऑलमोस्ट होता है, डिपेंड करता है कि आपने बाइक से क्या क्या चीज़ रिमूव की हुई है, जिस तरह मैंने कैट रिमूव की हुई है, तो ऑलमोस्ट 195 kg मुझे इस बाइक में मेरा ये वेट बन जाता है इसका। इतने वेट के बावजूद इस बाइक की मनूवरिंग बहुत इजी हो गई है मेरे लिए, जैसे जैसे मैंने इसके साथ यूज़ टू होता गया तो ये मेरे हाथ पे बैठ गया कम्प्लीटली, और मैं बड़े आराम से इसको रश में मनूवर करता हूँ। ब्रेकिंग एबिलिटी मुझे थोड़ी सी माइनर सी कभी कभार फील होता है कि यार थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए थी। 195 kg और राइडर का जो वेट है ऑलमोस्ट
260 अबव हो जाता है, 280 ऑलमोस्ट हो जाता है अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसके साथ मुझे लगता है कि इसकी ब्रेकिंग जो फ्रंट ब्रेक है वो थोड़ी सी मज़ीद अग्रेसिव होनी चाहिए थी। अग्रेसिव में इसके थोड़े से डिस्क प्लेट भी बड़े अगर डाल दी जाते तो ब्रेक की बाइट थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती, या कैलिपर और ब्रेक पैड अगर थोड़े से मज़ीद हाई क्वालिटी के यूज़ किए जाते तब भी अग्रेसिव हो जाती। अलबत्त मुझे इसकी फ्रंट ब्रेक थोड़ी सी इसके ओवरऑल वेट के लिहाज से कभी कभार, हर बार नहीं कभी कभार, थोड़ी सी माइनर सी फील होता है कि इसमें थोड़ी सी कमी है। तो ये था इस बाइक का ओवरऑल एक्सपर्ट रिव्यू। हमने इस एक्सपर्ट रिव्यू में थोड़ा सा चेंज इस आपके लिए किया कि मैंने ओवरऑल जो मुझे मसले फील हुए तो मैंने ओवरऑल कोशिश की कि जो मैं इश्यूज फेस कर रहा था इस बाइक में वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मैंने उनको कैसे ओवरकम किया है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि हम आपके लिए और मज़ीद कौन कौन सी बाइक का रिव्यू लेकर आएँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो बाइक्स अरेंज करके आपके लिए उनका रिव्यू लेकर आएँ। जाने से पहले पार्क व्हील का जो बाइक सेक्शन है इसके लिए हमने एक प्रॉपर यूट्यूब पर न्यू चैनल बनाया हुआ है पार्क व्हील बाइक्स के नाम से, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ मेरा पर्सनल चैनल है ZM व्लॉग्स, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और राइड करते वक्त बेशक आप जो मर्ज़ी बाइक राइड कर रहे हो हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब भी चोट लगती है सर पे लगती है और सर बहुत नाजुक चीज़ है, तो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी हेलमेट के पैसे नहीं हैं, तो हेलमेट पे पैसे लगाएं, अच्छा हेलमेट लें डोट प्रूफ जो एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं। और उसके साथ मिरर ज़रूर इस्तेमाल किया करें बाइक पे, ठीक है, क्योंकि जब आपने हेलमेट पहना होता है तो आपकी जो साइडें हैं आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही होती, तो मिरर्स जो हैं आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देते हैं आपकी जो लेफ़्ट राइट पीछे से जो भी ट्रैफिक आ रही होती है उसकी। तो अगर हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो एक बड़े हादसे से बचा जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।